सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा गोल सांचे दरबार के जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ श्री दुर्गायै नमः। अथ सप्तश्लोके दुर्गा शिववाच देवे सुलभे सर्वकार्य विदायने करो हे कार्य सिद्ध्यर्थमुपाय ब्रूहि यत्नतः। देव्योवाच शृणो देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वे सदाधनो मया तवैव तेन प्रम्बासुभिः प्रकाश्यते। अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोके स्तोत्रमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थ सप्तश्लोके दुर्गा पाठे विनियोगः। ॐ ज्ञानिनाम विजयनाथे देवी भगवती बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। दुर्गे स्मृता हर्षभेदिवजयन्तो स्वस्तिः स्मृता मदिमदेव शुभं ददाति। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वापकारकरणाय सदा सचित्ता। सर्वमङ्गलमङ्गले शिवे सर्वाप्रसादिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति समन्विते वयस्ताहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते। रोगानशेषान्नमः सिदुश्च रुष्टादुकामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपुणराणाम् स्वयताप्रयासे सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य कलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। ॐ श्री दुर्गायै नमः। दुर्गाष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ईश्वरवाच शतनाम प्रवक्ष्यामि शरणस्य कमलादने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सदे। ॐ सदे साधे भव प्रीता भवानि भवोचने आया दुर्गा जया चाद्या त्रिनेत्राशूलधारिणि विरागधारिणि चित्रा चण्डघण्टा महातपाः मनोबुद्धिरहङ्कारा चित्तरूपाचिदादिः सर्वमन्त्रमयी सत्ता सत्यानन्दस्वरूपिणी
अनन्दावामनि भव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देव माता च चिन्ता रत्न प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशने अपर्णानेकवर्णा च पाटला पाटलावदे पट्टाम्बर परिधाना कलमञ्जीरञ्जने अमेय विक्रमा क्रोरा सुन्दरी सुरसुन्दरी वनदुर्गा च मातङ्गे मतङ्गा मुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चन्द्रे कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषाकृतिः विमलोत्कर्षणी ज्ञान क्रिया नित्या च बुद्धिरा वहला बहुला प्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भ शुम्भहन्नी महिषासुरमर्दिनी मधुकैटवहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्य सर्वास्त्रधारिणी तथा अनेकशास्त्रहस्ता च अनेकास्त्रस्य धारिणी कुमारी चैककन्या च कैशोरी युवती यतिः अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी गौररूपा महाबला अग्निज्वालारौद्रमुखी कालरात्रितमस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवज्योती कराली च अनन्दा परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदम् प्रभते नित्यम् दुर्गा नाम शदाशलम् नासाद्यम् विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनौ धान्यौ सतौ जाय भयौ भवति नमेव च चतुर्वर्गम् तथा चास्ते लभेत मुक्तिश्च शाश्वतीम् कुमारीम् पूजयित्वा तु ध्यात्वा देवीम् सुरेश्वरीम् भूये त्वया भक्त्या पठे नाम शदाशलम् तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वैश्वरपरैरपि राजानो दासतां यान्ति राज्ये श्रीमवाप्नुयात् घोरोचनालब्धकुङ्कुमेन सिन्दूरकर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य यन्त्रम् विदिना विलिख्य भवे सदा धार्यते पुरारिः भवामाचारिषामग्रे चन्द्रे क्षदविषां गते विलिख्य भवने स्तोत्रम् सर्ववे सम्पदाम्बर इस समय इस पवित्र गुफा में वैष्णो माता जी की प्रातःकालीन आरती षोडशोपचार द्वारा पंचामृत से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्ति ही नहीं सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। अथ देव्याः कवचम् ॐ अस्य श्री चण्डे कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टवचन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमाकरो बीजम् जगवन्त देवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बापीत्यर्थे सत्त्वशदीपाडाङ्गत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः चण्डिकायै मार्कण्डेयवाच
ॐ यज्ञोऽयं परमं लोके सर्वरक्षाकरणिनां यज्ञकस्य चिराख्यातं सर्वे ब्रूहि पितामह ब्रह्मवाच अस्य गोयतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्याजोकवच पुण्यदर्शनश्च महामुने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टे कुष्मण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमासेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिरात्रि च नवदुर्गाप्रचेति च उक्तानि त्राणि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निनादयमानश्च चतुमध्यगतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयाता शरणं गता नाशेषां जायते किञ्चित् अशुभमृणुसङ्कटे कामदं तच्च पक्षामि शोकदुःखाभयं नहि येषु भक्त्या स्मृतानो न तेषां वृद्धिः सजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेऽसि रक्षते तान्न संशया प्रेतसंसाद चामुण्डवारैवैशाचन एन्द्रिगैसमारूढा वैष्णवे करुणाचन माहेश्वरे विचारूढा कौमारेषु किमन लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्तहरिप्रिय श्वेतरूपनरा देवेश्वरे वृषभवन ब्राह्मी हंस समारूढा सर्वावरणभूषित यच्चेता मातरः सर्वः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाजा नानारत्नवशोभिता दृश्यन्तेन समारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खचक्रङ्गदां शक्त्यहलं चामसलायुध खेडकं सोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुञ्जायुधं त्रिशूलं च शारङ्गमायुधमुत्तम वेद्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्तायुधानि तं देवानां सहिताय वै नमस्तु महारौद्र महागौर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने साहि मां देवि दुष्प्रक्ष शत्रूणां भयवर्धने प्राच्यां रक्षतु मामेत्री आग्नेयामग्नि देवता दक्षिणावतु माराहि नैरित्यां खड्गधारिणे वदे च मारुणे रक्षे वायव्यावृहवाहिने वदे च पातु कौमारे ऐशानां शूलधारिणे ओजं ब्रह्माणि मे रक्षे अलस्ताद्वैष्टवे तदा एवं दक्षिशो रक्षे चामुण्डा शवहन जया मे जाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अयिता माम पार्श्वेत दक्षिणे चापराजित शिखामज्योतने रक्षेत् उमामूर्ते व्यवस्थित मालाधरी ललाटे च भ्रमो रक्षे च शश्वने त्रिणेत्राव च भ्रमोर्मध्ये यमघण्टाजनाशिके शङ्खने चक्षुषोर्मध्ये श्रौतयाचारवासने कमलौकालिकारक्ष्य कर्णमूले तु शङ्करे नालिकायां सुगन्धा च उत्तरस्य च चर्षिका अजले चामृतकलाय वायां च सरस्वने दन्तारक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्तघण्टा च महामाया च तलुके कामाक्षी जीवकं रक्ष वाच मे सर्वमङ्गला देवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवापहे कण्ठ नलिकां नलकोपरे स्कन्दयो खड्गनि रक्ष बाहो मे भद्रधारिणे हस्यो दण्डनि रक्ष अम्बिका चाङ्गुलेषु च नगाञ्जुलेश्वरि रक्ष कक्षो रक्ष कुलेश्वरे
तनो रक्ष महादेवी मन शोक विलोचने हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणे नाभो चकामिनी रक्ष स्वयेश्वरी तदा भोजनाकामिकामृतं हृदय महिषवाहिनी कत्या भगवती रक्षयाजुने वृन्दवासिने जञ्जयमाला रक्षे सर्वकामप्रदायने गोपयो नारसिंहे च पादपृष्ठे पादाङ्गुलेषु रक्षे पादादसर्वासिने नखाकर्चाकराले च केशा सेवाजगजने रामकोपेषु कोपेरे त्वजं रागेश्वरे तदा रक्तमज्जामधामासि मेधासि पर्वते अन्त्राणि कालरात्रिश्च वित्तं च मुकुटेश्वरे पद्मावधिपदकाश कवे चूडामणि सदा ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवद्या सर्वसन्निष शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्ष छाया सत्येश्वरे तदा अहङ्कारं मनोमध्य रक्ष्यर्मे धर्मधारिणे प्राणपाणौ तदा व्याणम् उदानं च समानकम् वज्रहस्तामे रक्ष प्राणौ कल्याणशोभन रसरूपे च गन्धे च शब्दे स्वर्षे च योगिने सत्त्वरजस्तमश्चैव रक्ष नारायणे सदा आयो रक्षतु वाराणि धर्मं रक्षतु वैष्णवे यजा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रे गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशोन्मे रक्ष चण्डिके पुत्रा रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु वैरवे बन्धानां समता रक्षे मार्गं क्षेमकरे तदा रायद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वदासित रक्षाहीनं स्वयस्तणं वर्जितं गवचेत तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ति भावनाजने परमेकं न गच्छेत जले चवमात्मना कवचेनामृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सार्वगामिकः जयं चिन्तयते कामं तत्र प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वर्यपदं प्राप्स्यते भूतलपमान् निर्मयो जायते मत्यः सङ्ग्रामे च पराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत्पूज्यः कवचेनाभृतः पुमान् इदं ज्योतेभ्यः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठेत्वतो नित्यं त्रिसंज्ञं क्षत्रियान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये च पराजितः जीवे वक्षरथं चक्रमृत्याविवर्जितः नश्यं देव्यादयः सर्वे लोका विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभियद्विषम् अविकाराणि सर्वाणि मन्दयन्त्राणि भूतले भूजलाः केचराश्चैव जलया शोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकुनी शाकुनी तदा अन्तरिक्षोचरा घोर डाकिन्यश्चामहाबलाः ग्रहभूतविशाखाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसाः ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनार्थस्य कवचे हृदि संस्कृते बाणो नतिर्भवे राज्ञस्य वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे सत्त्वयति चण्डीं कृत्वा दुःखवचं पुरा यावद्धूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननम् तावत् तिष्ठति मे सन्तते पुत्रपादिके देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरभि दुर्लभम्
प्राप्नोति पुरुषो नित्य महामाया प्रसादत लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। अथार्गलस्तोत्रम् अर्कलस्तोत्रमन्तश्च विष्णुविषये परोत्सवछन्द श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बाभिनये सप्तजदीपानागत्येन जपे विनियोगः चण्डिकायै मारकुण्डे मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिने दुर्गाख्यमा शिवा धात्रे स्वाहा सदा नमस्ते जय तं देवि चामुण्डे जय भूतातिहारिणे जय सर्वगते देवि कालरात्रे नमस्ते मलोके नव मित्रावि विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि महिषासुरनिर्णाति भक्तानां सकदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि रक्तमेजावदे देवि चण्डमण्डविलासिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि शम्भस्य दुभ्राचन्दमर्दिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि वन्दिताग्निर्युगे देवि सर्वसौभाग्यदायिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि अजन्तरूपचरित सर्वशत्रुविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि सुमध्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि चण्डिके सर्वं यस्त्वाम् अर्चयन्तीह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमसुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि विदेहि दुषदानाथं विदेहि बलवत्सके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमसुखम् रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि सुरासुरक्षरक्तानिग्रस्तचरणाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि विद्यावन्तं जशल्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि प्रचण्डदैत्यदर्पणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि चतुर्भुज चतुर्वक्ष संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि कृष्णेन संसुते देवे संस्कृतभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि हिमाचलसुतानां संसुते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि इन्द्राणि परिसद्भाव पूजिते परमेश्वरे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि देवि प्रचण्डदोर्दण्ड दैत्यदर्पविनाशिने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि देवि भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि भक्ति मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणे कारणे दुर्गसंसार सागरस्य गुणोद्भवम् इदं सौत्रं भवित्वा तु महासौत्रं भवे नरः सदो सप्तशति सङ्ख्या भर्मा पुनोति संवरा।
तिलकम् ॐ अस्य श्रीतिलकमन्त्रस्य शिवऋषेः अनर्षभछन्दः शिवः सरस्वती देवता श्रीलगदम्बावृत्यदम् सप्तुषदीपाढाङ्गत्वेन यपे विनियोगः ॐ नमो चण्डिकायै मार्कण्डे वाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदिव्यचक्षुषे श्रेयाप्राप्तिमित्ताय नमः सोमाजदारिणे सर्ववेदज्ञानीयान्मन्त्राणवमेलक स्वामिक्षेममाप्नोति सततव्यप्रदत्तरः सत्यन्तु चाटनादेने वर्षाणि सकलोचमे एतेन समताम्बेमि सोत्रमात्रेण सिद्ध्यति नामम् द्रोणौषधम् तत्र न किञ्चिदमि विद्यते विराजापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणमि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कमिमावरः कृत्वा मन्त्रयामास सर्वमेवानुलाशुवम् स्तोत्रम् मे चण्डिकायाश्च तच्च गप्तम् जगारसः समाप्तेन च पुण्यश्च तम् यथा वह्नियन्त्रणम् स्वामिक्षेममवाप्नोति सर्वमेवम् न संशयः कृष्णायामाचतुरस्यामष्टव्यामाचमायितः ददाति प्रदयन्नाति नान्यदेशा प्रसीदते यत्थमरूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् यो निष्कीलाभिधायैनाम् नित्यम् जपते सस्वरम् स्वाधिप्तास्वपि गन्धर्वो जायते नरः राजैवाप्रस्य वयम् क्वापि अजायते नामवृत्तोवशम् जाते मृतो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणमिनश्यते ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदम् प्रारभ्यते बुधैः सौभाग्यादिनश्चिन्त तिष्ठते ललनायने तत्सर्वम् दत्प्रसादेन तेन याप्यविलम्बम् क्षणेषु यप्यमानेषु स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यकैः भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यम् यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानिः परो मोक्षः श्रूयते साणगिञ्जने श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद्यासी द्वारा विरचित मार्कण्डेय प्राण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे। अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है। विशेषतया आपके रोगों शत्रुओं दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है। मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री महिषासुर मर्दनी स्तोत्र आई गिरि नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवर विन्द चिरोदिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुते भगवती है चित कंठ कुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि नंदकपालिनि जय Dora Vara Chini, Dora Dara Dara Chini, Dora Mokha Mara Chini, Hara Dara De Shiva Vara Go Chini, Shankara Go Chini, Kiru Vishu Go Chini, Kachara De Dara Dari Ro Chini, Diti Sota Ro Chini, Dora Bada Jo Chini, Sinnu Sute Jaya Jaya He Vai Cha Sura Mara Chini, Dham Chaka Vara Chini, Jaya Vasute Vai Jagadam, Samadam, Bakadam, Jai Jai Hey Mai Chaturmarthi Ram Kapardini Jai Vasudev
Jai Jai Hai Vaishnava Dharma Dharma
कृष्ण नंबर 30 पर क्षमा प्रार्थना निकाल लीजिएगा। अथ क्षमा प्रार्थना भवतु मे देवे भक्तसा
कटकों वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सांझे दरबार की जय। अभी सभी श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से, लंबे स्वर से, हृदय से वास निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पदमय स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय गणनाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगी जन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से, उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार, उकार और मकार के रूप में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्थमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही हैं। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी, जयकारा शेरां वाली जी दा। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगदोखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्। देवगण माता से प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा ही भाव हम सभी को भी अपने प्रति रखना चाहिए। शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम पर प्रसन्न हो वो संपूर्ण रथ की माता, आप प्रसन्न हो में विशेषी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम्ही चराचर जगत की अधीशी हो। आधार भूता जगत स्वमेका महिष स्वरूप जतास्ते दासी अपाम स्वरूप आप्याते कृष्ण लंघ्य वीरे। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंग नहीं है, तुम्हें जल रूप में स्थित होकर समूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम वैष्णवी शक्ति अनंत वीर्या विश्वस्य बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेतत तुम वे प्रसन्ना विमुक्ति हेतु। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम्हें प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष प्राप्ति कराती हो। विद्या समस्ता सवदेवी भेदा स्त्या समस्ता सगला जगत्सु त्वजय क्या पूरी तमम बजयत काते स्तुति स्तभ्य परापरोक्ति। देवी समूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं, जगत में जितनी स्त्री हैं ये सब तुम्हारी ही मूर्ति हैं। जगदम्ब एकमात्र तुमने इस विश्व को व्याप्त कर रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। सचियां ज्योतां वाली माता तेरी, जयकारा शेरां वाली जी दा। आप सभी भक्तजन विशेष रूप से दो नवरात्रों के प्रति परिचित, वासंतिक एवं शारदीय नवरात्र,
जो मुख्यतया मनाए जाते हैं, जिनमें नव दुर्गा की आराधना की जाती है। परंतु दो गुप्त नवरात्रि हैं जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी पर्यंत तथा आषाढ़ मास की प्रतिपदा शुक्ल प्रतिपदा से नवमी पर्यंत तक मनाए जाते हैं। ये इन गुप्त नवरात्रों में भक्तजन अपनी भक्ति को गोपनीय रखते हैं, इसका ज़्यादा प्रचार नहीं होता, इसलिए इनको गुप्त नवरात्र कहा जाता है और विशेष करके दस महाविद्याओं की आराधना करते हैं। इनमें तंत्र साधना प्रमुख है। आज भक्तजन गुप्त नवरात्रों में तृतीया तिथि को तीसरी माता, दस महाविद्याओं में तीसरी माता छिन्नमस्ता हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं। इनका रूप भी अति गोपनीय है और इनके प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती जगदम्बा स्नान करने के लिए अपनी सहचरी जयाता बेजा के साथ मंदाग्नि नदी में गई। वहां क्षुदाग्नि से पीड़ित होकर कृष्ण स्नान के पश्चात ये कृष्ण वर्ण की होगी, इनका रंग काला हो गया। तभी इनकी जो सहचरी जयाता बेजा थी उनको भी भूख लगी और उन्होंने माता जी से कहा कि देवी आप हमें भोजन प्राप्त कराइए। परंतु माता ने उनको कुछ देर के लिए प्रतीक्षा करने के कहा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने पुनः कहा कि देवी हमें भूख लगी है, हमें भोजन दीजिए। इन्होंने पुनः प्रतीक्षा करने के कहा। तब देवियों ने निवेदन किया सहचरियों ने जयाता बेजा ने कि माँ अपने बच्चों को भूख लगने पर उनको अविलंब भोजन देती हैं, तो आप हमें भोजन क्यों नहीं दे रही हैं। तब उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर देवी ने खड़क से अपने शीश को काट दिया, जिससे इनका जो शीश था इनके बाएं हाथ पर गिरा और उनसे तीन रक्त की धाराएं प्रवाहित हुई। दो धाराएं जो थी वो इनकी सहचरी जयाता बेजा वो उनके रक्त का पान करने लगी और एक जो रक्त की धारा थी ये स्वयं उसका पान करने लगी। वो रक्त का पान करके प्रसन्न हुई, तभी से इनका नाम छिन्नमस्ता हो गया। तांत्रिक इन छिन्नमस्ता की आराधना करके जो तंत्र साधना प्राप्त करते हैं और विशेष करके विद्या के उपासक अर्धरात्रि को चतुर्थ संध्या जिसे कहते हैं उस समय इनकी आराधना करके सरस्वती माता को प्राप्त करते हैं, सरस्वती की साधना करते हैं। इनकी आराधना करके भक्त यान शत्रुवर विजय प्राप्त करता है और उसे भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। नव दुर्गा के साथ साथ आज भक्तजन दस महाविद्याओं की भी आराधना करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली पुण्यकर्मी हैं जिनको आज उन्हीं के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी तथा महान सरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्व भर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा में विराजमान होते ही आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं और ऊपरा के इनके तीन स्वरूप हो गए हैं। पूर्व काल में भक्तजन इसी प्राकृतिक गुफा के मार्ग से जाकर के पूर्ण पिंडी महाराज जी के दर्शन करके जिस प्रकार जल परिक्रमा कर रहा है, ऐसे ही पूर्ण पिंडी महाराज जी की परिक्रमा करके इसी मार्ग द्वारा बाहर आ जा करते थे। परंतु कालांतर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देख करके अन्य मार्ग बनाए गए और माता जी ने अपने पूर्ण शरीर को सोने तथा चांदी के पत्ते से जड़ लिया, अर्थात कली काल में केवल शेष रूप में दिव्य पिंडियों के रूप में ही दर्शन देना स्वीकार किया। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृत रूप से विराजमान गणपति महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुक तथा प्रहलाद जी और साथ में माता जी का वरदहस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का नवारण मंत्र, बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच्चे काली काल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐम के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है। जो बच्चे विद्या में निर्बल हैं केवल ऐं ऐं अक्षर का उच्चारण करने मात्र से ही विद्या में निपुण हो सकते हैं। ओम ऐं ओम अथवा ओम ऐं सरस्वती नमः इसका जाप करने से विद्यार्थियों को विद्या की प्राप्ति होती है। ह्रीं के उच्चारण से आपको दूध पुत्र धन ऐश्वर्य सुख संपत्ति नेक कमाई हर प्रकार की मनोकामना घर गृह देश वेश में सिद्धिमान प्राप्त होता है और क्लीं के उच्चारण से आपको शक्ति प्राप्त होती है, आपके शत्रु रोगों का नाश होता है। चामुंडा माता जी का नाम एवं बिच्छे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माता चरण बैठे हुए हम सभी भक्तियां तीन बार करें।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाजे विच्चे 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 सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा ढोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इस नवार्ण मंत्र का विशेष करके इन गुप्त नवरात्रों में अधिक से अधिक जाप करें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, नवार्ण मंत्र का जाप, श्रीमद देवी भागवत जो पुराण की कथा श्रवण करें अथवा पाठ करें, इससे आपको अक्षय फल की प्राप्ति होगी। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में सुन रहे माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचियां जोतां वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरां वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्त उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री सुरेश जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री सुरेश। जयकारा मेरी शेरोवाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय। मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखूं देखो मेरे मन मंदिर में माँ
महाशांत में देखो, ये तन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है, ये तन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है, ये तन भी तुम्हारा है, ये मन भी तुम्हारा है, दिल की हर धड़कन में, दिल की हर धड़कन में सुबह शाम तुम्हें देखो, दिल की हर धड़कन में सुबह शाम तुम्हें देखो, कण कण में तुम्हें देखो, हर पल में तुम्हें देखो, कण कण में हर पल में तुम्हें देखो, मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, मेरे मन मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, ये रिश्ता पुराना है कहीं टूट ना जाए, कहीं टूट न जाए माँ, हर जन्म जन्म में माँ, हर जन्म जन्म में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, हर जन्म जन्म में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, कण कण मेरी यादों में बस जा, मेरे प्राणों में रम जा, मेरी यादों में बस जा, मेरे प्राणों में रम जाओ, मेरी यादों में बस जा, मेरे प्राणों में रम जाओ, श्वास में माँ, मेरे श्वास श्वास में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, मेरे श्वास श्वास में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, कण कण में तुम्हें देखो, हर पल में तुम्हें सुबह शाम तुम्हें देखो, मेरे मंदिर में माँ सुबह शाम तुम्हें देखो, सुबह शाम तुम्हें देखो, सुबह शाम तुम्हें देखो, सुबह शाम तुम्हें देखो, सुबह शाम
जयकारा मेरी शेरों वाली मैया जी का बोल सच्चे दरबार की। एक भजन प्रस्तुत कर रहे हैं श्री मनिंद्र जी। जयकारा शेरावली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता वैष्णो माता। खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। खेल गिटिया दिया खेलाओ मेरी वैष्णो माता। आज खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। खेल गिटिया दिया खेलाओ वैष्णो माता। वैष्णो माता मेरी वैष्णो माता। आज खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। आज खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। खेल गिटिया दिया खेलायो जवाला मैया खेल दी जवाला मैया खेल दी जवाला मैया खेल दी। ओ जित गई जित गई जित गई ओ मेरी वैष्णो माता। जित गई जित गई जित गई ओ मेरी वैष्णो माता। आज खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। खेल गिटिया दिया खेलायो वैष्णो माता। दूजी दूजी खेल मैया कांगड़े वाली खेल दी। दूजी दूजी खेल मैया कांगड़े वाली खेल। ओ कांगड़े वाली खेल दी माँ कांगड़े वाली खेल दी। कांगड़े वाली खेल दी माँ कांगड़े वाली खेल। ओ फिर जित गई जित गई जित गई ओ मेरी वैष्णो माता। जित गई जित गई जित गई ओ मेरी वैष्णो माता। आज खेल गिटिया मैया नैना देवी खेल दी। खेल मैया नैना देवी खेल। ओ नैना देवी खेल दी माँ नैना देवी खेल दी। ओ नैना देवी खेल दी माँ नैना देवी खेल। आज खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। खेल गिटिया दिया खेलायो मेरी वैष्णो माता। ओ चोटी चोटी खेल मैया चितपुर दी खेल दी। ओ चोटी चोटी खेल मैया चितपुर दी खेल दी। ओ चितपुर दी खेल दी माँ चितपुर दी खेल दी। ओ चितपुर दी खेल दी माँ चितपुर दी खेल दी। फिर हाँ फिर हाँ फिर जित गई जित गई जित गई माचा मुंडा रानी खेल दी। खेल माचा मुंडा रानी खेल दी। चामुंडा रानी खेल दी माचा मुंडा रानी खेल दी। चामुंडा रानी खेल दी चामुंडा रानी खेल दी। ओ पंचमी का खेल माचा मुंडा रानी खेल दी। ओ पंचमी का खेल माचा मुंडा रानी खेल दी। चामुंडा रानी खेल दी चामुंडा रानी खेल दी।
खेल दी चामुंडा रानी खेल दी चामुंडा रानी खेल दी हाफिर 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 जित गई जित गई जित गई ओ मेरी वैष्णो माता जित गई जित जाओ ओ मेरी वैष्णो माता ओ अज खेल की दिया दिया खेल आयो मेरी वैष्णो माता खेल की दिया दिया खेल आयो मेरी वैष्णो माता जयकारा शरवणी का बोल सच्चे दरबार की जय हमें शरण मिले लो मां दुनिया के सताए हमें शरण मिले लो मां दुनिया के सताए सताए
मिलो माँ, दुनिया के सताए Bye.
तेरे हाथ डोर मैया
जय करा मेरी शेरावली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय पाया तेरे दर तो मां रहमता हजारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो तन मन वारा शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा जोना भैया तेरे उते मैं तन मन वारा शुक्र गुजारा मेरा शुक्र गुजारा पाया तेरे दर तो दर दर रुल चोली बिच पालवा दुखां नूं भी दाती है मैं सुखां नाल कहलवा दुख दे चोली बिच पालवा
आज बिकवाई शुभ संबत 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल शिशिर ऋतु माघ मास की आज 26 प्रविष्टे हैं। शुक्ल पक्ष या तिथि अतिथि है। शुक्रवार तदनुसार 8 फरवरी सन 2019 के दिन दुर्गा वैष्णो माता जी की असीम अनुकंपा द्वारा आप सभी श्रद्धालु भक्तों को माता जी के तपोवन के दिव्यांग में बैठ करके सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अतः आपसे सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आज गुप्त नातों में गौरी तृतीया को माता छिन्न मस्ता का ध्यान करते हुए सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इनकी आराधना से भक्त जान मोक्ष की प्राप्ति करते हैं तथा विद्या में सिद्धि प्राप्त करते हैं। आप सभी का माता जी के दिव्यांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन तथा वैष्णो माता दरबार की ओर से आपके साथ विश्व के सभी मातृभक्तों को भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव पुत्रवान भव श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरी भूति करने दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैरी दर्भ दलने व्यापार दक्षो भव श्री शंभुर भव पाद पूर्णता सर्वोपकारी भव मंत्रार्था सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनाम बुद्धि नाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तु चीर्वर्चस्व आयुष्मारोग्यमाभिदात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। आपकी दीर्घायु हो, आपका आरोग्यता प्राप्त हो, आप धन धन से संपन्न हो। जिन मंत्रों का आपने श्रवण किया वे सभी सफल एवं सार्थक फल देने वाले हों। अब सदैव धर्मानुकूल कर्म करते हुए उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हों। सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा जयकारा छे राम वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते माता जी आरती बोलेंगे। सामने दीवार पर आरती लिखी हुई है, आपकी पुस्तिका के अंतिम पृष्ठ भी आती है, सभी बोलेगा। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी तुम को निधि न जावत मैया जीवन शरण न जावत हरि ब्रह्मा जीवनी। राज रक्त कोष
गल माला रक्त पुष्प गल माला कंदन बरसाजे ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राज घर खबर ओ मैया घर खबर धारी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती आप सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता दी।
अभी सभी भक्तियाँ दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जब बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता दी। गुरु जी को वंदना, द्वितीय आज गणे, तृतीय स्मरण शारदा, मेरे कार्य करो हमेश जय मां, आनंदी आनंद करो कल्याणी कल्याण, मैं आज पैर तो सक गई जो चरणा दा ध्यान दे। Thank you.
खड़गम चक्र गणेशु चाप भरिगं चूलं शुंडं चरा शंखं सन्दत तिम्रदेशिनयनं सर्वांग भूषावृता नीलाशंगति मास पाद दशका देवे महाकालिका व्यामस्तो सुविदे हरो कमलजो हंसो मधुम केतव Thank you.
लोग साथ में Yeah.